आज हम बात करते हैं स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट, जिसे पहले रायपुर एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है था। यह छत्तीसगढ़ का पहला और बड़ा एयरपोर्ट है। भारत सरकार द्वारा इसे पब्लिक एयरपोर्ट का संचालन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। इसका कोड है IATARPRICAOVERP। भारत के छत्तीसगढ़ राज्य की सेवा करने वाला पहला एयरपोर्ट है। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर से 15 किलोमीटर की दूरी में है और नया रायपुर से 10 किलोमीटर की बीच में माना में स्थित है। यह भारत में यात्रियों के आवागमन के लिए 28वां सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है और विमान द्वारा आवागमन के हिसाब से 29वां सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है। 24 जनवरी 2012 को स्वामी विवेकानंद के नाम पर लोकप्रिय संत के लिए एक श्रद्धांजलि के रूप में इस एयरपोर्ट का नाम रखा गया, जिन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा रायपुर में बिताया था। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट का एक रनवे है जिसकी लंबाई 3251 मीटर है और चौड़ाई 45 मीटर है। हवाई क्षेत्र रात की लैंडिंग सुविधा से लैस है। 1:2 लैंडिंग सिस्टम ILS रनवे 24 और नेविगेशन एड्स जैसे DVOR, DMENDB और PAPI से लैस है। दोस्तों बात करते हैं टर्मिनल की। नए एकीकृत टर्मिनल का उद्घाटन 7 नवंबर 2012 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने किया था और इसकी लागत 158 करोड़ रुपए में है और यह इमारत यानी यह टर्मिनल लगभग 20,000 मीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जो 4.9 एकड़ में बना है और इसमें एक बार में 1300 यात्रियों को संभालने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें 400 अंतर्राष्ट्रीय यात्री भी शामिल हैं। नए टर्मिनल में 2 एयरब्रिज, 8 बोर्डिंग गेट, 20 चेक इन काउंटर, 8 एक्सरे बैगेज मशीन, 4 सुरक्षा काउंटर और सामान के लिए 2 कन्वेंटर बेल्ट हैं। तीसरे एयरब्रिज का निर्माण चल रहा है। कार्गो टर्मिनल कॉमन यूजर डोमेस्टिक कार्गो टर्मिनल CUDCT का उद्घाटन 4 जून 2016 को किया गया था, जो एयर कार्गो संचालन शुरू करने के लिए राज्य की लंबे समय से लंबित मांग को पूरा कर रहा है। कार्गो परिचालन को संभालने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पुराने टर्मिनल भवन को CUDCT में बदल दिया है। तो दोस्तों स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से कौन सी फ्लाइट कौन से राज्यों के लिए चलती है, इसकी जानकारी एयर इंडिया दिल्ली मुंबई नागपुर विशाखापट्टनम के लिए, एलायंस एयर भोपाल हैदराबाद जगदलपुर जयपुर झारसुगुड़ा कोलकाता रांची, इंडिगो फ्लाइट अहमदाबाद इलाहाबाद बेंगलोर चेन्नई दिल्ली हैदराबाद गोवा इंदौर कोच्ची कोलकाता लखनऊ मुंबई पटना श्रीनगर, विस्तारा दिल्ली मुंबई। कनेक्टिविटी स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन से 16 किलोमीटर की दूरी में है और पंडरी बस टर्मिनल से 14 किलोमीटर की दूरी में है और यह रायपुर और नया रायपुर BRTS और कैब द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा रायपुर अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट सोसाइटी रायपुर के माध्यम से पड़ोसी शहर भिलाई और दुर्ग के लिए सीधी वातानुकूलित सिटी बसों का संचालन करती है। ओला और उबेर प्रस्थान और आगमन द्वारा उपलब्ध है। निजी टैक्सी सेवा भी उपलब्ध है। बात करते हैं स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट के नज़दीक। तो स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट के सबसे नज़दीक 9 किलोमीटर की दूरी में आपको चीप रेट में होटल हॉस्टल या आपके बजट के अनुसार होटल यहाँ मिल जाएंगे। तो दोस्तों यह वीडियो यहीं तक के है। आपको यह वीडियो कैसे लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।